लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए तेज खबर 24 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त खबरों का। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के स्थापना अनुभाग में पदस्थ लिपिक के खिलाफ नर्सेज एसोसिएशन बीते दो दिनों से लामबंद है। पूर्व लिपिक को हटाने संबंधी मांग को लेकर सौंपे गए ज्ञापन के बाद भी लिपिक अपनी कुर्सी पर डटा है, जिसके बाद आज दूसरे दिन एक बार फिर नर्सेज एसोसिएशन ने मेडिकल कॉलेज के डीन को ज्ञापन सौंपकर उसे हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध नर्सेज एसोसिएशन ने कॉलेज के स्थापना अनुभाग में पदस्थ लिपिक जीतेश रावत को उसके कार्य के प्रति लापरवाही व कर्मचारियों के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। यहां करीब घंटे भर नर्सेज एसोसिएशन व कॉलेज प्रबंधन के बीच चली वार्ता में लिपिक को हटाने का निर्णय भी लिया गया था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने 24 घंटे बीत जाने के बाद भी लिपिक को हटाने की बजाय एक और लिपिक की पदस्थापना कर दी, जिसकी पूर्व से ही जांच चल रही है। नर्सेज एसोसिएशन ने मेडिकल कॉलेज के उदासीन रवैये को देखते हुए आज एक बार फिर लिपिक के खिलाफ ज्ञापन पत्र सौंपते हुए दोनों लिपिकों को हटाने की मांग की है। नर्सेज एसोसिएशन ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि दोनों लिपिकों को नहीं हटाया जाता है तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की होगी। कि मैं कल 11 बजे ऑर्डर साइन कर दूंगा। अगर 11 बजे साइन नहीं होता ऑर्डर, 12 के अंदर हमें नहीं मिलता है, तो 12:05 में हमारी सारी नर्सेज हॉस्पिटल के बाहर होंगी। इसके सारे जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि जब हमारी नहीं सुन रहे तो फिर उनकी क्यों सुनेंगे हम। अभी तकरीबन 2 घंटे से आप लोगों की मीटिंग चल रही है। हाँ, वो लोग भी मान गए, पहले तो नहीं मान रहे थे लेकिन अब मान गए हैं। उनका भी कहना है कि उनको वहाँ से स्थापना से हटाकर कहीं भी पदस्थ कर दे, लेकिन ऑर्डर कल दे। वो भी जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें ऑर्डर कल दे, तो ठीक है, हम लोग भी समझौता कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर अगर 12 के अंदर नहीं हुआ, 12:05 में, तो हम लोग सारी नर्सेज स्ट्राइक में चले जाएंगे। सारी जिम्मेदारी जो भी डीन अधीक्षक जो भी हो उनकी होगी। मेरा नाम पुष्पलता पटेल है।